तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कोरमा। मटन कोरमा नॉर्मल ग्रेवी से थोड़ा पतला होता है और इसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग। यहाँ पे मैंने 1.5 kg मटन लिया है और उसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद में मैंने उसी मटन को कुकर में डाल के उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, हाफ अनियन स्लाइस्ड किया हुआ और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डाल के ऐसे टॉस कर लेना है थोड़ा सा। उसके बाद में फिर उस पर लिड लगा के 5 whistles तक कुक करना है। अभी जो स्क्रीन पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं ना, उसका हमें एक फाइन पेस्ट बना लेना है। मैंने अब यहाँ पे 4 to 5 tablespoons ऑयल लिया है, उसमें मैंने 1/2 teaspoon जीरा, 4 लौंग, 2 इलायची और 1 bay leaf डाला है, मतलब 30 पत्ता। अब हम इसमें 2 sliced किए हुए अनियंस डाल देंगे और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है अच्छे से। जब अनियन का ये कलर आ जाए ना, उस टाइम पे जो ग्राइंडेड मसाला है ना, वो पेस्ट हमें उसमें ऐड कर देना है और मसाले को अच्छे से पका लेना है। जो मिक्सर में थोड़ा सा मसाला बच गया था, उसे मैंने पानी से क्लीन करके उसका पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब 1/2 teaspoon टर्मरिक पाउडर, 1 tablespoon कोरिएंडर पाउडर और 1 teaspoon चिली पाउडर डाला है और 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि जो मसाला डाला है वो भी अच्छे से पक जाए। सॉल्ट डाला है मैंने टेस्ट के लिए। अब इसे कुक करके पकाए कि ऑयल रिलीज़ हो जाए। जब ये ऑयल ऐसे रिलीज़ हो जाए तो इसमें डाल दिए 2 टमाटो की प्यूरी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्सर में जो बची हुई टमाटो प्यूरी लगी थी ना, उसको मैंने पानी से क्लीन करके वह पानी भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब कवर करके इसको 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। देखो, आप देख सकते हो ऑयल किस तरह रिलीज़ हुआ है। अब इसमें ना हम जो मीट हमने बॉईल किया था ना, उसका स्टॉक डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसे कवर कर देंगे। अब देखो, ये फाइनल ऑयल इसका रिलीज़ है बहुत अच्छे से। अब इसमें हम मीट ऐड कर देंगे। मीट ऐड करने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अब हमें जितना इसे पतला रखना है उतना पानी डालेंगे। एक्चुअली कोरमा थोड़ा पतला ही होता है, ये थिक नहीं होता है ग्रेवी, तो इसमें थोड़ा पानी डालना है। और यहाँ पे चिली फ्लेक्स मैंने डाले हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है। अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे ताकि जो भी ग्रेवी का फ्लेवर है वो मीट में अब्सॉर्ब हो जाए। बिग बॉयल आने के बाद में इसमें हम कोरिएंडर डाल के गैस बंद कर देंगे और अब हमारा मटन कोरमा रेडी है। इसे आप रोटी, नान या फिर राइस के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।